आप जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुप में मुझे जोड़ दीजिए, और यदि आप खुद एडमिन हैं तो मुझे एडमिन बना दीजिए, और यदि एडमिन नहीं है तो आप जो है जो एडमिन है उनसे रिक्वेस्ट करके उसको एडमिन बना दीजिए, राइट। ठीक ठीक नंबर वन, नंबर वन। नंबर टू जो है, बहुत जल्दी अब जो है सभी लोगों को, विशेष तौर पर जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको जो है वो यदि डरे सहमे हैं तो उन्हें सदस्य की शपथ लेना चाहिए, अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए, अच्छे भारत को पैदा करने के लिए। जी ठीक है ना। तो या तो वो कर, वो करें, या जो है यदि निडर और निर्भीक हैं तो फिर जो है वो चंद्रगुप्त की शपथ लें, राइट। और हर दिन संगोष्ठी करें, दिन कम है। अच्छा, तीसरा जो है वो सहमति दें कि उनको आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए, चाहे 10 रुपए का ही क्यों ना दें, जिससे उन्हें अपनी सेवकता दिखाई दे। यदि उनके पास एक कमरा हो सकता है तो वॉलंटियर के लिए एक कमरा ईयरमार्क कर दें, जिसमें 2 गद्दे डाल लें जमीन में, जो रूखा सूखा खा रहे हैं वो वॉलंटियर्स को भी दें, जिससे सब जगह के वॉलंटियर्स पहुंच के संगोष्ठियां करके ये संदेश जन जन तक पहुंचा दें। तो अभी आपने लगभग इतना समय हो गया है अपनी बातचीत का, क्या क्या आपने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि समय नहीं है। मेरी तो आपके कल शाम इवनिंग में 6:30-7 बजे से स्टार्ट हुई। हाँ, तो 12 घंटे में क्या काम हुआ है? आपने बताया था आपके उस पे टेलीग्राम पे, मैंने टेलीग्राम पे मॉर्निंग में 5 बजे आपको हाई हेलो कर दिया था सर। हाँ, वो मुझे मिल गया था, वो मुझे मिल गया था। आपने बताया था कि टेलीग्राम पे ही काम करेंगे, तो आप अभी फिर बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे? नहीं, वो दोनों में कर दो ना, व्हाट्सएप पे। देखिए, हमको ग्रुप ग्रुप बनाने में वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। हाँ, तो वो आपको इश्यूज है ना, वो मैं हेल्प कर दूंगा आपको। तो उसमें नहीं नहीं आप उसमें बड़ा सिंपल सी बात है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम आप करिए और उसमें मुझे जोड़ दीजिए, बात खत्म हो गई, एक ही चीज है। ठीक है ना। और जो है हमारे जो दूसरे ग्रुप से आपके पास खबर पहुंचती है वो उसको अपने सभी ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिए, यदि मेरी पोस्टिंग नहीं हो पा रही तो। क्योंकि देखो, एक चीज अपन को और समझना पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो इनका डर है वो अपने हित में है। इसका मतलब है कि एक अदने से पुलिस अधिकारी से, पूर्व डीजी से सरकार डर रही है। क्यों डर रही है सर? इसलिए डर रही है कि उसे लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो इसलिए डर रही है क्योंकि उसे मालूम है कि पिछले 75 सालों में तो जो है ना कुछ किया नहीं है। इसलिए डर रही है क्योंकि उसे मालूम है कि आज भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। कुछ रिटेन में 5-10-15 लाइन का कुछ बना रखे हैं आपने सर कंसेप्ट? बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, 1-2-4 लाइन की क्यों, बहुत सारी बनी हुई हैं। नहीं, कोई कोर जिससे मैं पूरा वर्ल्ड वाइड इस चीज को एक्सपेंड करूं, मुझे एक पेज तो दिखाओ सर। बहुत सारे हैं, हम आपको भेजते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, सिर्फ एक दीजिए जिससे मैं कंप्लीटली डन हो जाऊं भाई। जैसे मैं सर, मेरी बात सुनो, मैं टेक्निकल देखो डन वाली बात है, आपको डन एक से नहीं होगा, एक रहेगा 21 जो है लक्ष्य, जिससे कि ये देश बदलने वाला है। क्लियर। दूसरा जो है उसमें 21 विधाएं जिसमें के लोगों को अपन को जोड़ना है, राइट। ठीक है, दोनों 21-21 हैं, मतलब हमें हर व्यक्ति को जोड़ना है, हमें हाँ तो वो विद्यार्थी को जोड़ना है, हमें शिक्षक को जोड़ना है, हमें किसानों को जोड़ना है। नहीं, आप ऐड नहीं, उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि उनको जोड़ना है। और वो जो है, या तो यदि डरे सहमे हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अच्छे भविष्य के लिए वो शपथ लें, राइट। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी। तो या तो जो है वो सदस्य की शपथ लें, जो कि डरे सहमे लोगों के लिए है, पर्दे के पीछे वालों के लिए है, और यदि वो सोचते हैं कि वो निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ लें और मिनिमम 2 संगोष्ठी प्रतिदिन करें। और अब चुनाव के समय में तो मैं कह रहा हूँ 5-5, 6-6, 8-8 भी कोई कर सकता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि जब जन जन तक ये संदेश पहुंचेगा तभी जो है 3 दिसंबर 17 नवंबर को सभी का जो है मत जो है अपने चंद्रगुप्तों के फेवर में जाएगा, और 3 दिसंबर को हम जो है इन 3 राज्यों में अपनी सरकार बना पाएंगे। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में जरूर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं सर सब कुछ समझ रहा हूँ, सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ जी। आप सिर्फ मुझे जो आपने बनाया पेपर फॉर्मेट में, PDF में, जो भी सॉफ्ट कॉपी, पढ़ने वाला, सुनने वाला नहीं सर, पढ़ने वाला दीजिए, जिससे पढ़ के मैं अभी आपको सब जो है ना घोषणाएं भेजता हूँ। जैसे एक तो घोषणा, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं हैं कि
आप जो है यदि लोगों को जोड़कर नंबर वन में पहुंच जाएंगे राज्य स्तर पर तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है, कोई दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, राइट। ओके ग्रेट। यदि यदि आप जो है राष्ट्रीय स्तर पर नंबर वन पे पहुंच जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, राइट। ये सब घोषणाओं का हिस्सा है। तो एक तो जो है ना 9 बिंदुओं की घोषणा है उसको भेजता हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि सभी बहुत पारदर्शी है और इन लक्ष्यों को जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी चंद्रगुप्तों की नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की है। अच्छा, एक तो सर मैथिली शरण गुप्त हिंदी का कोई किताब का राइटर भी था सर, मेरे को किताब का राइटर नहीं था, और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है, एग्जैक्टली वही नाम है, और मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, नाम वही है। आप ही हैं सर क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो उनकी मौत 1964 में हो चुकी थी। अच्छा, वो स्वर्गीय है इस समय। अच्छा, वो स्वर्गीय, लेकिन नाम जो है एक ही है, सेम है आपका। हाँ, नाम वही है। जब आपका नाम देखा ना कल, मैं कहा सर ये तो कभी, मतलब क्लिक, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं मतलब बचपन से, तो हमें दिख गया कि ये तो सर कोई मैथिली शरण गुप्त, मतलब एक तो हमारे कवि थे। अब मेरे को ये याद नहीं है क्योंकि हिस्ट्री में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर जब आपसे बात हुई तब पता चला। देखो अभी देखो पवन, पवन चंद्रगुप्त मैं आपको कहता हूँ, पवन चंद्रगुप्त अभी भिड़ जाओ, अभी इसी को सोचो इसी को करो, देश बदल जाएगा, देश में कोई गरीब व्यक्ति नहीं बचेगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे। उसका ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, बदलेगा, मैं वही समझ, वो ये सब चीजों पे चर्चा जो है ना ऑलरेडी वीडियोज है वो सुनो, क्योंकि बहुत समय लगेगा उसमें, उसकी पूरी रणनीति बनी हुई है, अभी उस रणनीति पे चर्चा नहीं होना, अभी चिंतन पे चर्चा होना। चलो चलो ठीक है, मैं वॉलंटियर नंबर वन आपका बनता हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सपेंड करने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ भी जैसे भी होगा। अगर मेरे ऊपर कोई आँच आती है इसके बारे में, फिर तो सपोर्ट नहीं, आपके ऊपर क्यों आँच आएगी, और है ना मैथिली शरण गुप्त खड़े हुए, आप कोई नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं क्या? हाँ ये बात हो गई ना, उसके पीछे मैथिली शरण गुप्त खड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर जो देश के प्रति कमिटेड हैं और देश को ये बदलेंगे, समझ गए ना। ये दुष्ट राजनेता जिन्होंने अंग्रेजों के कानून अपने देश की जनता पे ऊपर थोपे हुए हैं, ये बड़े बनेंगे कि ये छोटे लोग हैं, क्या सोच और चिंतन है इनकी? हाँ बिल्कुल, इनका सोच और चिंतन क्या है बताइए, अपने ही देशवासियों पे गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। दो मिनट जूम पे आओ ना हमारे साथ, थोड़ा फेस टू फेस बात करें तो मजा आएगा सर। हाँ आप लिंक भेज दीजिए, आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। मैं भेज रहा हूँ अभी लिंक। चलिए ओके, थैंक यू।